हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 9&5 में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में, गर्मियों में माँ को ऐसे कौन सी गलतियां नहीं करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में वैसे ही ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन गर्मियों में जहाँ किसी लेडी को कुछ लेडीज़ के साथ वॉमिटिंग, जी मिचलाना और मॉर्निंग सिकनेस जैसी, नौजिया जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अगर गर्मियाँ जब भी आती हैं तो उन्हें अपनी एक्स्ट्रा केयर, खान पान और हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में, गर्मियों में अपनी केयर कैसे करनी है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से काम से बचना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को विद द बेल आइकन सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में, गर्मियों में हमें अपना खान पान कैसा रखना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, अपच जैसी प्रॉब्लम बन जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है सॉफ्ट ड्रिंक। ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लेडी का मन करता है कि फ्रिज में से निकाल के माजा पी लें, फ्रूटी पी लें, या फिर लिमका पी लें, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी लें। लेकिन आपको सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना है, आपको नहीं पीना है। आपका मन, आप जैसे सोच रहे हैं कि मैंगो वाली पी लें, वो नुकसान नहीं देती है, नहीं, उनमें भी केमिकल्स होते हैं, और जहाँ केमिकल्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वो आपके बच्चे को या आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आप उन्हें ना पिए, उनकी जगह आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, साथ में आप जलजीरा पिए, गन्ने का जूस पिए, आम पन्ना पिए। ये आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे, कहीं ना कहीं हाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, साथ में आपके बच्चे को हेल्दी रखेंगे और आपको हेल्दी रखेंगे। तो अगर आपका ठंडा पीने का मन भी करता है तो आप ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हैं। बाकी लिमका और ये माजा, फ्रूटी, थम्सअप, पेप्सी और ये सब अवॉइड करें। नेक्स्ट आता है तला भुना। देखिए, जैसे ही गर्मी आती है तो ऑलरेडी गर्मी में वैसे ही बेचैनी और बहुत ज़्यादा मन परेशान सा रहता है, तो आपको ज़्यादा तला भुना चीज़ नहीं खाना है। जैसे अगर आपका मन करता भी है कुछ ऐसा खाने का, तो जैसे समोसे खाने का, ब्रेड पकोड़े, पकोड़ी, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका मन कर रहा है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खाएँ, अनलिमिटेड ना खाएँ। क्योंकि तला भुना अगर आप गर्मी में खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और अपच जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नमक। देखिए, आपको नमक भी अपने डाइट में एक बहुत ही लिमिटेड खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। क्योंकि अगर नमक खाते हैं तो आपको सूजन जैसी प्रॉब्लम बन जाती है, आपके पैरों में सूजन आती है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, और साथ में आपकी बॉडी को भी डिहाइड्रेट करता है। तो इसलिए आप नमक को ज़्यादा अपनी डाइट में ना शामिल करें। बात करते हैं शाम की डाइट के बारे में कि शाम को आपको अपने खाने में क्या शामिल करना है। तो देखिए, शाम की जो डाइट है वो आपको हल्की लेनी है, दलिया, खिचड़ी जैसी चीज़ें, हल्की चीज़ें लेनी हैं। अगर आप सब्ज़ी भी कोई खा रहे हैं तो वो भी आप लौकी, तोरी जैसी सब्ज़ी खाइए, जिससे कि आपको डाइजेशन होने में शाम को प्रॉब्लम ना हो। और खाना खाने के तुरंत बाद आप ना लेटें, और पहले वॉक करें तब आप लेटें। साथ में आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी शाम में रखी हुई सब्ज़ी आप सुबह खा रहे हैं और सुबह की रखी हुई सब्ज़ी आप शाम में खा रहे हैं, क्योंकि उससे आप फ्रिज में रखने वाली चीज़ों का न्यूट्रिशन लेवल घट जाता है, जो कि बाद में अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है मीठा। मीठा आपको अपनी डाइट में बहुत ही लिमिटेड लेना है। आपका अगर मन कर भी रहा है तो आप लिमिटेड मात्रा में लें। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्वीट्स खा रहे हैं तो आप खाए जा रहे हैं, नहीं, उससे आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम बन सकती है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपके साथ बन सकती हैं। नेक्स्ट आता है चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी का भी अगर आपका मन करता है तो आधे कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आप ना लें।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें कौन से काम नहीं करने हैं। नंबर वन है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है आपको। ऐसा माना जाता है कि सूरज की धूप आपको लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में और इतनी गर्मी में जाएं। आप मॉर्निंग में 10 मिनट की धूप ले लें, वो आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट है, आपको गर्मा गर्म फूड नहीं खाना है। आप जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, कोई सब्जी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आप ले रहे हैं, आपको गर्मा गर्म नहीं खाना है। आपको पहले उसका नॉर्मल हो जाना है उसे, जब आपको उसे खाना है। नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपको वॉमिटिंग, चक्कर जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको मेडिसिन को अपनी स्किप नहीं करना है। साथ में आपको लॉन्ग ट्रेवल को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, एक तो गर्मी होती ही बहुत ज़्यादा है, बॉडी इतनी डिहाइड्रेट रहती है, और आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।